हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो सम्राट के एमवी के, एक बार फिर स्वागत है। हेलो, आ गया मैं सम्राट के एमवी के में। तो ड्रैगन बॉल से की बहुत सी गेम है, इसका नाम था एक अमेजिंग गेम, इसका नाम ड्रैगन बॉल जी बुडोकाई टीसीजी। और इस गेम के सीरीज में बहुत कुछ है। तो सबसे बात करते हैं नंबर वन के, इसी का गेम रिव्यू है। तो इसके ट्रेलर में आपको दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटा सुपर से मानता है, पर इस गेम के अंदर आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हो, इस पता नहीं थी पर, लेकिन आप जाके देख सकते हो। अगर आपके पास ये गेम और खेलना चाहते हो स्पेशली अपने प्ले स्टेशन 2 के एमुलेटर में, तो आप खेल सकते हो। और आपको बताना चाहता हूँ, ये गेम है प्ले स्टेशन 2 और प्ले स्टेशन 3 में अवेलेबल है यार, सोच कर वो ले लो। और उसके अलावा आप चाह सकते प्लेइंग स्टेशन 2 के एमुलेटर से भी, और डॉल्फिन एमुलेटर में इसमें इसका मास्टर पीस है। तो इसके नंबर वन है ड्रैगन बॉल जी बुडोकाई टीसीजी, और उसके बाद आई इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, थर्ड मास्टर पीस है और सेकंड ओपन वर्ल्ड है। तो बात करते हैं फर्स्ट की। अगर आपके पास फर्स्ट है तो आपको बता दो उसे कुछ गेम सेटिंग जो आप चला सकते हैं वेरी इजी अपने पीसी में, वेरी इजीली चला सकते अपने पीसी में। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकते, पर इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसमें जो मज़ेदार, जो और इसके अगले वर्जन में देखने को नहीं मिली, तो इसी बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई टीसीजी की बात करते हैं। ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई 2005 में आई थी, प्ले स्टेशन 2 के में अवेलेबल है, प्ले स्टेशन 3 में इसके तीनों एक साथ हैं। लेकिन अमेजिंग है, पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। ड्रैगन बॉल ज़ी के लगभग सभी गेमों में ट्रांसफॉर्मेशन होना आसान बात है, समझेगा तुम, ईजी। पर इस बार ईजी नहीं था ड्रैगन बॉल ज़ी की पूरी, फर्स्ट टाइम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, जबकि सेकंड और थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन है, या आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं सुपर सेवन में या उससे ऊपर, पर इसमें ऐसे नहीं है। पर फिर भी और वर्जन है, आपको दिखाएंगे इसमें गेम सेटिंग्स जो आप कर सकते हैं वेरी इजीली अपने पीसी में, समझ गए। तो चलो दिखाते हैं, थोड़ा गेम प्ले भी दिखाएंगे सेटिंग में क्या फ़र्क है। अपने पी सी एक्स 2 के कोई भी एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी वर्जन, ये सब में चलेगा वेरी इजीली। तो आपको बता दूं कि बड़ी मजेदार तो है, पर इस कमियों के बाद भी इसमें एक और चीज़ जो अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन मोड, पर आप गेम प्ले करेंगे तो इनमें अंतर दिखता है। इसके कॉम्बोज में, इस गेम में कुछ ज़्यादा कॉम्बोज नहीं थे, और स्पेशल अटैक्स काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशल अटैक काफ़ी अच्छे से दिखाए गए थे। ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई टीसीजी पहली गेम थी और पॉपुलर रही, क्योंकि इसमें 100 रैंक बैटल है, स्टोरी मोड है, उसके अलावा बहुत कुछ। पर आपको दिखाते हैं, ये गेम सेटिंग आपको अपने पीसीएक्स में कोई भी सेटिंग की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सेटिंग में आप चला सकते हैं। नॉर्मल सेटिंग में फ़र्क आपको क्या फर्क लगेगा वो आपको भी दिखाते हैं, चिंता मत करो तुम, देखो देखते जाओ बस। ओ यार, समझे, गेम फील्ड ग्राफिक काफ़ी अच्छा है और इसका डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है, बिल्कुल एनिमी फीलिंग देता है। और ये ड्रैगन बॉल ज़ी सभी एनिमी गेम्स होती है भाई, वो सब गेम की तरह इसमें कमियाँ भी है। इसमें बैटल फील्ड बहुत अच्छे से दिखाया गया, ब्यूटीफुल कलर्स एंड ग्राफिक्स के साथ, और इसके अगले वर्जन में यही चीज़ इतनी अच्छी से देखने को नहीं मिलती, जो उस वर्जन में ही मिलती है खाली। और देख सकते हो इसमें लेयर थोड़ी अलग हो रही है, लेकिन और जबकि अगर आप बेस फॉर्म लेते हो तो उसमें बिल्कुल बराबर रहता है। तो इसी से बताऊँगा आपको अपने पी सी एक्स 2 में किस तरीके से करनी है, समझ लो, देखो। तो हो गया था यार देखने के लिए PCX2 की सेटिंग। तो चलो दिखाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पहले नॉर्मल सेटिंग में सुपर सेवन के जैसे अलग अलग दिख रही है, ठीक है, और ऐसा नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो चलो यही बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं, पर आपको बता दूं मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.2 वर्जन, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं।
यानी हर वर्जन में चलेगा ये, आपको ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं करनी, खाली मैं हार्डवेयर चला रहा हूँ, कस्टम और सॉफ्टवेयर सेटिंग भी कर सकते हो, पर मैंने खाली एलिवेटर क्या देख सकते हो सेटिंग, कोई ज़्यादा नहीं टैक्स की। हम चाहो तो और भी ये सेटिंग कर सकते हो, इस सेटिंग को ध्यान से देख लो दोस्तों, इसके जरिए आप कर सकते हो वेरी इजीली सेटिंग, तो और देख सकते हो इसमें सुपर चेन के फिक्स चेंज हो गए, पर इसमें फोटोग्राफ अब लेयर नहीं है, अलग से लेयर नहीं दिख रही, बालों का अलग से नहीं शैडो बाहर नहीं आ रहा है, इसके अलावा पर लेकिन बाकी मतलब लाइन देख सकते थोड़ा फर्क नज़र आया है, जो बहुत अच्छी बात भी है भी और नहीं भी, मतलब क्योंकि फोटोग्राफी थोड़ा लो कर देता है, क्योंकि करेक्टर के टेक्स्ट डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर देता है, पर फिर भी ये एक छोटा सा एरर कह सकते हो, छोटा सा इफेक्ट है जिस वजह से, पर देखा जाए ग्राफिक्स के हिसाब से और बाकी और कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, और गेम बहुत अच्छी है, एक स्पेशल अटैक आप कर सकते हो वेरी इजीली, पर इसके कॉम्बोज भी देखोगे उसमें जिसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना ही बैक टू ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस गेम की यही अच्छी बात भी और बुरी भी दोस्तों, समझिएगा तुम यही अच्छी बात है यही बुरी। ओ यार ये गेम इतनी अच्छी है फिर भी अपना, जबकि इसके अगले वर्जन जो है ड्रैगन बॉल जी बूडू का है कि बाकी और सभी गेमें फर्स्ट कुछ हो गए, इसके सेकंड और थर्ड, सेकंड ओपन वर्ल्ड है पर इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और कॉम्बो पहले से अच्छे हैं और यहाँ तक कि फ्लाई करने के लिए भी, पर वाटर इफेक्ट जैसे इसमें अच्छे हैं वैसे उसमें भी अच्छे हैं, और बैटल फील्ड इतना अच्छा नहीं दिखता जितना उसमें दिखता है। अब देखो उसमें अल्टीमेट मूव जैसे कि सुपर मूव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ग्राफिक्स कितने अच्छे दिख रहे हैं और मूवमेंट काफ़ी बढ़िया दिख रही है, ऐसे ही होना चाहिए ऐसे, तो आप समझ के आपको किस तरह की सेटिंग करनी है दोस्तों, और देख सकते हो उसके स्किल्स में, लुक एट द स्किल लिस्ट, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और ये सब सारे इसलिए दिखा रहा फाइनल मूव दिखा रहा इसलिए थोड़ा ब्लैक हो रखा है, मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और सुपर सेन टू नहीं बन सकता, ना ही नीचे जा सकता है बेस फॉर्म में लौट नहीं सकता, तो इस वर्जन में बस यही कमी थी, पर ड्रैगन बॉल जी वुडू का टीचाई टू इन्हीं सभी कमियों को पूरा करता है और एक नई चीज़ देता है, एक ओपन वर्ल्ड, ड्रैगन बॉल जी में ओपन वर्ल्ड गेम थोड़ी भी मिल जाए तो भी बंदा खुश, और यही चाहिए फ्रेंड्स ज़्यादातर, और अमेजिंग गेम में कैसे बैटल डैमेज हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो अल्टीमेट अटैक के बाद ड्रेस का डैमेज होना, कपड़ों का डैमेज होना काफ़ी अच्छा से दिखाया गया है, जो कि और गेमों में इतना नहीं होता, और यही पहली गेम है इसमें ऐसा दिखाया गया, और ड्रैगन बॉल जी के बुडोकाई टेंचाई के सेकंड और थर्ड में भी इसी चीज़ को फॉलो किया गया, इसे और अच्छे से दिखाया गया है कैरेक्टर डैमेज को, और इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे और वीडियो भी आएगी, यही तक रिव्यू, सॉरी आपको इंतजार कर रहा है, और हाँ इसी वजह से इसके ऊपर वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के पास, और ये बहुत बड़ी लगभग 2 GB की गेम है, और इससे बड़ी आप ड्रैगन बॉल सी बूडू का एक सेकेंड या थर्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ दोस्तों आपको ड्रैगन बॉल सी बूडू का ही 2 या 3 करना चाहिए, 3 मास्टर पीस है, और सेकेंड ओपन वर्ल्ड पे आपको जैसे अच्छे लगे वैसे करिए, 3 में ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं करेक्टर को, कस्टमाइज ऑप्शन ड्रेसेस दे रखे सिलेक्टेड वही कर सकते हो, और यहाँ तक कि उसमें और ज़्यादा करेक्टर इंट्रोड्यूस हैं यानी कि विलन्स एंड हीरोज, और इसमें ड्रैगन बॉल, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, जब तक के लिए।